ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ने जा रहे थे सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बताया भी था, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने किया कराया था ना, मैंने चलो चले हेडिंग डाले डिटरमिनेशन ऑफ वैलेंसी एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Determination of valency, determination of valency and stable oxidation state. लिखिए ये बात है, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच के गैप की, इवन आप सिंगल ही बना लो, देखो सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में गैप थोड़ा कम है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। बस समझना भी इसका मतलब, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा होती ही है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, वो तो जाहिर सी बात है, और जितना अंदर तुम आते जाओगे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल है, ये बात सच है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन गैप जो है, एनर्जी का जो गैप है फर्स्ट और सेकंड के बीच में बहुत ज्यादा होगा, नोट करिए, मतलब कितने कितने गुना, तो कहेंगे सर 4 से 5 गुना, कितने गुना, ठीक है। अब बात आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी वन का मतलब क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने यहां से, देखिए ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव, देन वैलेंसी क्या होगी, कहेंगे वन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन निकला है तो प्लस वन, इलेक्ट्रॉन गेन किया होता तो माइनस वन, क्या बात है। तो ये स्पीसीज कैसी होगी, तो कहेंगे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या है, वैलेंसी वन है तो मोनोवैलेंट, क्या कहेंगे, हाँ याद आया तुमको तुम्हारी वीडियो देख के, मोनू के साथ टहल लेते तुम, है मोनू अपाचे पे, अनुज अनुज चलो पढ़ा करो, वो सर उस दिन गए थे वहां मेडिकल फैकल्टी बोला था उस दिन की वीडियो थी वो दोस्तों, ये लोग टहलते हैं तो लोग सर वहाँ की फोटो भी आपको भेजी थी मैंने, हाँ ठीक है सही बात, चले आगे बढ़े आगे बढ़े, वो वीडियो नहीं फोटो भेजी थी मैंने मेडिकल फैकल्टी, चलो बेटा पढ़ो पढ़ो। अब देखिए अभी देखिए ये एक कंडीशन है, ये कंडीशन है, यहाँ पर देखिए ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वन है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी टू है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी थ्री है, कोई भी स्पेसीज है, जहाँ पर जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत ज़्यादा है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देगा कि दो, एक एक दे देगा, दूसरे के लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, राइट। इसी तरीके से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बहुत थोड़ी एनर्जी, इसके बीच में भी थोड़ा सा गैप है, मान लो ये अगर 30 किलो जूल है, ये हो सकता है 31 या 32 किलो जूल हो, लेकिन ये हो गए 40 किलो जूल, या हो सकता है 50-60 किलो जूल हो, तो 30 किलो जूल और 32 किलो जूल अरेंज करना आसान है या 70 किलो जूल, 30 और 32, तो ये आसानी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा,
दो, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? दो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस टू, और चार्ज कितना आएगा? ए प्लस टू। ठीक है, ये समझ में आया कि कैसे पता करेंगे कि मोनोवेलेंट स्पेसीज है या बाईवेलेंट है या ट्राईवेलेंट है? तो जो दो सक्सेसिव जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो गैप है वो जितना कम होगा उतनी तेजी से निकलेगा, और जितना ज्यादा गैप होगा इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। जैसे 50 किलो जूल, 90 किलो जूल और 95 किलो जूल, 50, 90, 95 गैप है ना इसमें अच्छा खासा। देखो 50, 55, 100 कितना आसानी से निकल जाएगा, ये दोनों जब 50 का इंतजाम कर सकता है तो अगला 55 का भी कर सकता है। ठीक है, नोट करें। ऐसी स्पेसीज मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दो, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस टू। तो ये स्पेसीज कैसी हो गई? बाई वैलेंट, और नोट करिए ठीक है, चले डन। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए मेटल, फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ मेटल आर 7, 13, 78 एंड 185, 7, 13, 17 एंड 128 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively, then the formula of its chloride will be और उसको इंडिकेट किया है उन्होंने एन से। जनरली आदमी कहता है मेटल को एम से इंडिकेट करना चाहिए, एग्जामिनर की मर्जी। लिखने से पहले आंसर बताओ। देखो एन है गैसेस फॉर्म, इससे की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कितनी है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन गया एन प्लस जी। इसके बाद आई टू कितनी है? 13। ठीक है, इसके बाद 17, और इसके बाद 17, ठीक है, और ये देखो 128, तो 4-5 गुना तो हो ही गया ना। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा गैप है, इसका मतलब IE4 सबसे ज्यादा, हाँ गुड, उससे कम IE3, IE2 और IE, आंसर इज थर्ड। सबसे जितना जहां पर गैप शुरू हो जाएगा वो नहीं होगा। समझ में आ गया?
तो क्या हो जाएगा, लाइक एन है, अब देखो प्लस टू हो गया ना, दो इलेक्ट्रॉन निकले, प्लस तीन, ये प्लस थ्री हो गया ना, तो इससे जो चार्ज होता है भाई उसकी वैलेंसी होती है। क्लोरीन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होता है, लो क्रॉस कर दो तो क्या हो गया, माइनस वन नहीं लिखते कभी वैलेंसी में, चार्ज नहीं लिखते, एन सी एल तो क्रिस क्रॉस हो गया। अगर मेरा यही सेम क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर 17 की जगह 108, मान लीजिए यहाँ पर 77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता, कितना आता 77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर यहाँ पर क्या लिखा होता 77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या यही सेम आंसर होता या कुछ बदल जाता। गुड, वेरी गुड, कह रही है क्यों, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि 4 से 5 टाइम्स होना चाहिए, हाँ है ना, एटलीस्ट 5 टाइम तो दिख ही रहा, तो क्या हो गया 4 से 5 गुना है ना, तो ये जहां डिफरेंस इतने टाइम्स का आ गया तो वहां तो काउंट ही नहीं होगा। अच्छा 7 से 13 में कितना है, जस्ट 2 गुना, अप्रोक्सीमेटली 2 गुना, 7 × 14 होता है, जस्ट थोड़ा सा, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन ये का प्लस सीएल क्या है, एन सीएल 2। बस समझ में आ गई, चार्ज का डिफरेंस समझ में आ गया, कितने का डिफरेंस होना चाहिए 4 से 5 टाइम का, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, हेडिंग डालिए डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आज मैं मेरी एक आदत है कि मैं चेक भी करता रहता हूँ। आज मैं काफ़ी जो है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स भी देख रहा था, जिनके अच्छे खासे एड्स चलते हैं, अच्छे खासे नाम हैं इंडस्ट्री में, और विश्वास मानिए लगभग वीडियोस में ड्रामा चल रहा था। सिलेक्शन की जो तैयारी की जो पढ़ाई है उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो नोट्स है वो कितना वैल्यूएबल है। मैंने वहाँ पे देखा कि 90% लोगों ने क्या रखा है, ऑलरेडी पीपीटीज बना रखी हैं, और वो इतना ज़्यादा सेंटेंशनल पढ़ा रहे हैं, ओवर कंटेंट सेंटेंशनल है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता, और जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको समझा, देखो टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कराता कोई। देखा आपने, आप लोग देखे होंगे, कभी तो ट्राई किए ही होंगे। मैंने बहुत बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, आज मैं कम से कम 3 से 4 घंटे बैठा था, सिर्फ यही देख रहा था कि लोग कर क्या रहे हैं, कि जो है लेक्चर को इतना अच्छा इंगेज करना, इतना अच्छा बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है। आप उसको 10 बार देखोगे, 50 बार देखोगे, लेकिन प्रैक्टिस कब करोगे। लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि 1 बार 2 बार पढ़ा, ओके, अब तुरंत उसके बाद क्वेश्चन लगना शुरू, 60% 70% क्वेश्चन लेक्चर सुनने के बाद लगना शुरू हो जाना चाहिए। तो इसीलिए टॉपिक्स काफ़ी रिलेटेबल होने चाहिए। मैंने देखा बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, पूरी पूरी कहानी लिखवा दे रहे हैं, बहुत ही दिमाग से काम करिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं उस नोट से क्वेश्चन निकलना चाहिए। मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ आप जाइए और कोई भी क्वेश्चन लगाइए, कहता हूँ ना, उसका कारण ये है कि उसके आसपास के जितने क्वेश्चन हैं सब कवर्ड होते हैं, सारे क्वेश्चन हम कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं सब कुछ पढ़ा रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि मैंने इतने पढ़ा दिए हैं कि मैं 45 में 45 नहीं करवा सकता, लेकिन 42 से कम नहीं आएंगे, गारंटी है, टॉपिक के अंदर से 42 से कम नहीं आएंगे। सिलेक्शन 45 से नहीं हो जाएगा, 42 से हो जाएगा, पागल मत हो जाइए। मैं देखता हूँ कि बच्चे 90 के लिए पढ़ रहे हैं बायो वाले सब, अरे मैं बायो में 90 में 90 सही करके आऊँगा, आप 90 में 90 टीचर नहीं सही कर रहा है। आप मेरी बात मानिए, आप सिर्फ 85 के लिए मेहनत कीजिए, 5 तो भगवान भी देखेंगे, जब इसने 85 के लिए काम किया 5 इसके ऐसे ही लगवा देंगे, भगवान कहेंगे यार जब लड़का इतना अच्छा नंबर ले आ रहा, 85 ला रहा, लो 5 में हम ही मदद कर दे रहे हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, कुछ भगवान भरोसे भी छोड़ना चाहिए।
मैं क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे का कारण है कि कभी कभी सब कुछ पाने की चाहत में कुछ छूट जाता है। तो हमें हद हमेशा हमेशा सब्र रखिए, हमेशा उतने के लिए तैयारी करिए जितने के लिए आराम से बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर आप ध्यान दे पाए। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ दिन भर बायो किताब लेके घूमा करते हैं, कितनी भी अच्छी बायो होगी। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के चक्कर मत पड़ो, AIR 1 के चक्कर मत पड़ो कि नहीं मुझे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सेलेक्शन की बात हो जाए। दिसंबर आने वाला है, दिसंबर तक अगर आपके 600 नहीं आ रहे टेस्ट में तो आप समझ लीजिए कि अभी बहुत मेहनत करनी है। हमेशा तैयारी इस तरीके से होगी कि पहले स्टेप में सिलेक्शन कट ऑफ क्रैक करना है, दूसरे स्टेप में अच्छा जो है कॉलेज सेलेक्ट करना है, और तीसरे स्टेप में हमें टॉप करना है। वन गो में सिलेक्शन नहीं होता है, तीन स्टेप हैं। पहले स्टेप में ये कोशिश करिए कि अब नवंबर दिसंबर तक आपके हर टेस्ट में 600 आना शुरू हो जाए। मैं कहीं इफ बट नहीं, 600 का मतलब 600 सबसे बेकार पेपर में 600 आए, मैं 720 की मैं कह रहा हूँ कि नीट के लिए। और अगर जेई वाले हैं तो वो भी अपना इस तरीके से रखें कि भैया उनके जो है एटलीस्ट जो है कट ऑफ वाले क्रैक होते जाए। हर टेस्ट में कोशिश इतनी रखिए कि यार मेरा कट ऑफ से कम तो नहीं जाएगा, चाहे जैसे पेपर हो, पेपर कितना भी बुरा है मेरा कट ऑफ से कम नंबर नहीं आना चाहिए। ये दिमाग में रख के पढ़ेंगे तब जा करके आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट से पढ़ेंगे कि अरे यार मैंने एक बैरियर ख़त्म कर दिया, अब मैं हर बार कट ऑफ तो क्रैक कर लेता हूँ, अब मुझे सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में चाहिए, अच्छे कॉलेज के स्कोर के लिए भागिए। जब अच्छे कॉलेज के स्कोर को क्रैक कर लोगे तब दिमाग में आएगा यार टॉपर बन सकता हूँ यार, मैं तो AIR में आ सकता हूँ यार, ऑल इंडिया रैंकिंग्स में आ सकता हूँ, टॉप 100 में आ सकता हूँ। जब मैं इतना कर ले रहा हूँ, 20 क्वेश्चन और तैयार कर लूँ या 10 क्वेश्चन और कर लूँगा तो मैं टॉप करूँगा। उसके लिए जब मेहनत होगी तो पीछे की चीज़ें तैयार है ना। अब पहले ही दिन से तुम चैप्टर नंबर 1 में परफेक्शन करना चाहते हो, उस पर किताब लिखना चाहते हो, तो तुम उसी में घूमते रहोगे। स्कोर में देखना, एक बात याद रखना कि 10-15% क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएंगे, 90% पेपर पुराने ही फॉर्मेट में आएगा। विश्वास मानिए, जो बात आप मानेंगे नहीं वही होगा। और इतना दिमाग आपके पास होता तो आज तक आप बचपन से टॉप कर रहे होते। एक बात याद रखिएगा, आज तक आपने जो लाइफ पे डिसीजन लिए उनसे आप कहां तक पहुंचे, और उसको देख करके अगर वो काम कर रहा है तो अपना डिसीजन पकड़ो, और अगर नहीं काम कर रहा है तो विश्वास मानो कि तुम्हें अपना डिसीजन जो है किसी और से लेना चाहिए, पूछना चाहिए, राय लेनी चाहिए। तो अभी आप लोग वो चीज़ को पकड़िए कि आपको कहाँ से निकलना है। सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, सारे पूरी इंडस्ट्री चाहती है कि उनके यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हों। मैं अकेला नहीं चाहता हूँ, पूरी इंडस्ट्री चाहती है, हर माँ बाप चाहता है, हर बच्चा भी सिलेक्शन चाहता है, चाहता है ना। तो सबके चाहने से तो नहीं होगा, कुछ दो तीन चीज़ें कॉमन मिलेंगी सब में, सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं मिल पाई, नहीं बन पाया तो नहीं होगा, सच है कि नहीं है। एक फॉर्मेट है सिंपल, चीजें जितनी कॉम्प्लेक्स करोगे सिलेक्शन उतना मुश्किल होगा। आपसे एग्जाम्पल लग नहीं रही, आपसे NCERT लग नहीं रही, आपसे मॉड्यूल खत्म नहीं हुई, आपसे जो है क्या नाम है प्रीवियस ईयर खत्म नहीं हुआ, उठा लिए SC वर्मा आयरोडोव लेके बैठे हैं, नहीं मैं तो आयरोडोव सॉल्व करके बैठूंगा, मैं तो SC वर्मा खत्म करूंगा। बेटा पहले उन चीजों को खत्म करो जो हर बार आ रहे हैं। SC वर्मा बहुत अच्छी बुक है, या कोई भी, मैं सारी बुक्स के बारे में बोला, आयरोडोव सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन आपको पहले अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है। 15% क्वेश्चन के लिए आप पूरी एनर्जी लगा दे रहे हो जबकि 85 छोड़ देते हो, होता है ना, ये होता है ना कि अक्सर जो है हमें लगता है कि हम किसी भी टॉपिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए। सिर्फ 85% पे काम करो, पहले मॉड्यूल तक, मेंस एडवांस तक के क्वेश्चन, नीट का बच्चा है कोशिश करिए कि एडवांस तक के क्वेश्चन लगाए, जेई का बच्चा है स्टडी मटेरियल लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, स्टडी पैकेज में सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा है, आपके नए NCERT दी हुई है, एग्जाम्पलर दी हुई है, लगभग क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं, तो आपके बेसिक क्वेश्चन तो नहीं छूटने चाहिए। अच्छे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल पढ़िए, आप, आपको मना किसी ने नहीं किया है, आप SC वर्मा पढ़ो, आयरोडो पढ़ो, जो आपको अच्छी लग रही पढ़ो,
लेकिन कब, जब इतना सिक्योर हो जाए तब, पहले मत उठा लो, ठीक है। चलो चलो, यहाँ पर देखो इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है ना, तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने बल्ब से ये क्या करेगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन निकलते ही किस लिए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट करने के लिए। देखो आफ्टर द रिमूवल ऑफ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ऑब्टेंड, देन नोट करिए। अगेन लाइक IE3 IE2 IE1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, सब कुछ सेम क्या हो जाएगा, कितना बस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जहाँ पर 1 था उसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देते हैं, नोट कर लीजिए, सब कुछ सेम है, क्या लिखना है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे। द क्वेश्चन इज फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर 13, 27, 181 and 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respective, then electronic configuration of element, क्या आप कह सकते हैं atom will, let's see, 1s2, 2s2, 2p4, पहला option, option number 2 is 1s2 2s2, option number 3, 1s2, 2s2, 2p1, option number 4 is 1s2, 2p1. ठीक है, नोट करिए, बताएं सर, सेकेंड, लेट्स सी, जस्ट दो गुना, हाँ ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद तो नहीं लेंगे ना, बहुत ज्यादा है गैप, ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है इस बच्चे का, राइट आंसर विल बी सेकंड, नोट कर लीजिए। बेटा 27 से 181 में कितने का गैप, 4 से 5 गुना से ज्यादा, देखो ना, हाँ? वो समझ आ गया, वो आगे नहीं लेंगे, लेकिन उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस फॉर्म में लिखा है कि यहाँ पर दो जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसी होनी चाहिए ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है आसानी से, ये एटम ऐसा है जिससे आसानी से दो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, कितने निकल सकते हैं दो। चलो यहाँ पर देखो चार है, क्या है 2p4 है, तो 2p4 से एक निकला 2p3, यही क्वेश्चन फंसा। नोबल वो हुंड्स का सॉरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या था एग्जैक्टली फुल सॉरी माफ करना हुंड्स रूल में क्या था एग्जैक्टली फुलफिल और एग्जैक्टली हाफ फुल एक्स्ट्रा स्टेबल है ना, तो 2p3 एक्स्ट्रा स्टेबल, हाँ जब एक्स्ट्रा स्टेबल होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे निकालना इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल होगा ना, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी IE2 है ना, लेकिन यहाँ पर IE1 और IE2 क्या है लगभग समान है। हाँ यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाला दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला दो है हो गया, यहाँ पर देखो 2p1 ही है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, IE2 एग्जैक्टली फुल फिल्ड, IE3 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड क्योंकि IE3 बहुत ज्यादा दिया हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या नहीं, यहाँ पर देखो तीन दिया हुआ है पहला दूसरा तो निकल जाएगा तीसरे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा ही होगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में जो आसानी से निकल जा रहा है, यही तो बात हुई है। एग्जामिनर ने डेटा दिया हुआ है तो वो डेटा जहां पर फिट हो निकाल लो, ठीक है और कोई प्रॉब्लम पूछना किसी और को, एक क्वेश्चन और दें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं टाइम तो नहीं हो गया, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर विल अ सडन जंप, देयर विल अ सडन जंप, देयर विल अ सडन जंप और लार्ज डिफरेंस बिटवीन और लार्ज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1, ऑप्शन नंबर 2 1s2 2s2 2p4, ऑप्शन नंबर 3 1s2 2s2 2p3, ऑप्शन नंबर 4 is 1s2 2s2 2p1, बताओ ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, लार्ज डिफरेंस सेकेंड। चलो ये बच्ची कह रही है ये एक एटम है दो शेल है ठीक है, इसमें एक सब शेल है एस वाली और एक सब शेल है पी वाली, हाँ ये है जो है प्रोटॉन ठीक है न्यूक्लियस, अब भैया जी यहाँ से जितनी पावर इस पर उतना ही तो इस पर भी, इधर देखो इधर इसको देखो, ये है पहली शेल ये है दूसरी शेल ये है तीसरी शेल ये है तीसरी शेल और ये देखो ये है दूसरी शेल, अब ये न्यूक्लियस की पकड़ इस पर ज्यादा मतलब इन पर ज्यादा या इस पर ज्यादा अंदर वाले पे और इस पर कम, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होगा, समझ आई बात, इन कंपैरिजन की यहां से यहां तक आया, ये देखो एक ही सेल के एलिमेंट है एक ही शेल है लेकिन यहाँ पर नोट कर लीजिए, चलिए हेडिंग डालें, अरे इसमें क्या लिखना है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ ए मेटल क्या होता है, व्हाट इज इट इज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ठीक है,
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अच्छा जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ही तो आसानी से मेटल जो है कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बनाएगा, हाँ आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लेना देना ही तो बॉन्ड के लिए सब कुछ है। ठीक है चलिए ठीक है। अब अगला वाला और अच्छा इम्पोर्टेंट है दैट इज फ्लेम कलरेशन। किस चैप्टर में हम लोग बहुत पढ़ा है फ्लेम कलरेशन के बारे में? एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एप्पल ग्रीन, हाँ याद है सब कलर हम लोग पढ़ते थे गोल्डन येलो सब पढ़ाएंगे आपको एस ब्लॉक में। आगे बढ़ें चलिए। अब देखिए कोई भी मेटल का कलर, कोई भी मेटल जब आयोनाइज होता है, क्या कोई भी मेटल है, कोई भी एलिमेंट है जिस पर लाइट पड़ी है या फिर किसी भी तरीके से वो आयोनाइज हुआ, जब भी वो आयोनाइज होगा तो उससे क्या निकलेगा? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साथ साथ में एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी अगर आपके इसकी जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी किसी एक के टर्म में याद कर लो, चलो हम वेवलेंथ के उसमें याद कर लेते हैं। अगर इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में है, किसके रेंज में? 4000। तो ये रेंज किसमें आ गई? तो कहेंगे विजिबल रेंज है। क्या है? इस रेंज की एनर्जी हमें दिखती है। लाइक 4000 है तो मान लीजिए आपका वायलेट कलर दिखेगा, थोड़ा ज्यादा हो गया इंडिगो, थोड़ा और ज्यादा हो गया तो हाँ ब्लू, ठीक है ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। तो ये बात हो गई कि मतलब अलग अलग वेवलेंथ पर एनर्जी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग वेवलेंथ की। वो वेवलेंथ की वजह से अगर वो वेवलेंथ विजिबल रेंज में आ रही है, ऐसा भी है कि 4000 से कम भी हो सकती है और 7000 से ज्यादा भी हो सकती है, दोनों में हमें नहीं दिखेगा, हम सिर्फ इतने ही रेंज की एनर्जी को देख पाते हैं। ठीक है तो नोट करिए फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन देखिए इट इज शोन बाय मेटल्स हैविंग, इट इज शोन बाय मेटल्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी because large amount of energy is released which falls in visible region and give characteristic color like give dio। तो इसका है maximum wavelength, इसकी minimum wavelength।
क्या है ये जो रेंज है, क्या है विजिबल रेंज, ठीक है आगे बढ़े। ठीक है चलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। लाइक लिथियम, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो कहेंगे सर घटती है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा किसकी, लिथियम की। चलिए नोट करिए, लाइक लीना का रवि कब से, तो अगर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है तो इसमें क्या होगी, मिनिमम एनर्जी विल बी रिलीज, जिसकी वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इज एनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी या उतनी कम फ्रीक्वेंसी, इनवर्स रिलेशन होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब कि इसमें सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ पे कलर कौन सा आएगा, रेड कलर, ठीक है, इसका जो कलर है वो है गोल्डन येलो, कौन सा कलर, ठीक है। पोटेशियम का आता है लाइलैक, मतलब काइंड ऑफ वॉयलेट, लाइलैक कलर सुना है ना, इसकी लिपस्टिक आती होगी तुम लोग की, पेल वॉयलेट, राइट, मतलब डल सा, ये हो गया आपका वॉयलेट। और सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी विल रिलीज, यहां पर आ गया डीप वॉयलेट। तो प्यार का पंचनामा देखा है, उसमें कई सारे पिंक रहते हैं, और केमिस्ट्री के पंचनामे में कई सारे वॉयलेट रहते हैं, नहीं देखिए आप लोगों ने, डन। चलिए आगे बढ़े, तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये कलरलेस, क्योंकि ये जल्दी आयनाइज नहीं होता, ठीक है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ड्यू टू हाई मतलब ये दिखती ही नहीं, इतनी ज्यादा रेंज हो जाती है, विजिबल रेंज से बियॉन्ड हो जाता है। ये हो गया कैल्शियम, हो गया ब्रिक रेड कलर, कौन सा, ब्रिक रेड, ग्रुप टू एलिमेंट है। स्ट्रॉन्शियम हो गया क्रिम्सन रेड, और बेरियम हो गया एप्पल ग्रीन। आप लोगों ने कभी ग्रीन एप्पल जूस पिया है, ग्रीन एप्पल जूस अच्छा लगता है, नहीं आप कभी जब सेलेक्ट हो जाए, कभी आप जब सेलेक्ट हो जाए तो आप जरूर से पिज्जा हट जाए, और वहां पे क्या मिलता है, ग्रीन एप्पल जूस, मैं एक ही चीज,
हाँ पिज्जा हट में ज्यादा महंगी चीज मत खाइएगा, बहुत पैसा लेते हैं। कमाएंगे तो खूब खर्चा करेंगे। हाँ चले अब बेटा इतना तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है। एग्जाम में ब्लैक कलर का पेपर आता है, पूरा ब्लैक से लिखा होता है, वहां कलर नहीं बन के आता है, कलर पहचानो। सोच रहे हैं ना पेपर वो जो है वहां पे रंग बिरंगा आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगला लिखिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल क्या होता है। बेसिक कैरेक्टर लाइक एल्केलाइन, मतलब बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। चलिए लिखिए बेसिक कैरेक्टर और मेटल्स, ठीक है। तो मेटल की खास बात होती है इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब कि आप टॉप टू बॉटम आते हैं, कहां से आते हैं? तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है और यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है और यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? मोस्ट बेसिक, और ये क्या होगा? लीस्ट बेसिक, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? पढ़े ठीक है। चलिए यहां लिखिए रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स, मतलब दूसरे को रिड्यूस करें तो खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। एग्जाम्पल टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, तो मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर दैट इज। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बट इन एक्वस मीडियम लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ ये बात सच है कि ये दिस इज मैक्स जो है सीजियम इज हैज मैक्सिमम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बट इन एक्वस कंडीशन लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। द्वितीय नहीं दिख रहा है बच्चों को, लिखिए पॉइंट, लिखिए मैं बोल दे रहा हूँ। अभी दिख रहा है?
चलिए ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया टाइम, ठीक है बेटा। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगली चीज थी दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या थी? तो जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, कभी भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम आएंगे तो घटेगी। तो जनरली आप देखें तो जो सबसे कॉर्नर के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है पूरे पीरियोडिक टेबल में। हर पीरियड वाइज देखोगी तो कम है, ग्रुप वाइज देखोगी तो घट रही है। तुम जाओ बेटा, बस निकल गए, बस क्लास खत्म। तो इसका मतलब क्या है कि ये जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा। यार एक बात बताओ बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना होगा, जो सोलर सेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ही तो सब मूवमेंट होता है लाइट पड़ती, यही चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो सोलर सेल्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।